सर जी डॉक्टर के मैं अपनी जी राति मेरे नाल हुई मैं तुहानू वो दसना कि मैं 3 साल एक हकीम को इलाज कराया। 3 साल मैं पैसे भरता रहा, गरीब आदमी सी मैं, जेड़ा मेरे को सहल है सी मैं करता रहा। वो बेटा 3 साल तो बाद मैनू हकीम की आंदा है, यार समझ ही नहीं तेन बीमारी की है। मैं आख्या मेरा ना जो उन्हें आख्या ना मैंने पूछा कि तेन बीमारी की है, मेरा उस मीटर घूम गया। मैं उन्होंने आख्या तू जो साड़िया 3 साल पैसे लेंदा रहा, कहते पैसे लिया मेरे को 8 दिन के मैंने पुड़े देता सी। 8 दिन तो बाद मैं आता सी पैसे लिया के, 8 दिन तो बाद दवाई लैके चले जाना। हाँ जी तो बेटा मैंने तो उन्हें जिस बड़ा लुटिया ना, मैं गरीब आदमी सी तो मैंने पैसे दे दे के जो उन्हें मैंने ये आख्या ना, मैं यार वो बदतमीजी बड़ी की थी। मैंने गालियाँ दी उसको, मैंने उसकी कुर्सी पई सी मैं वो चाह के मारन लगा, उसे एक और बंदा बैठा तो उसने कहा छोड़ो इसको कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे मुल्क के अंदर आपका सवाल बहुत वैलिड था और यकीनन हमारे मुल्क के अंदर जो है इस माफिया की जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं मिलती तो लोगों को सोचना चाहिए कि वो सस्ते के चक्कर में, क्योंकि एक तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग कोशिश करते हैं कि थोड़े से पैसों में उनका इलाज हो जाए, तो इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ख्याल करे और लाइसेंस होना चाहिए, बाकायदा तौर पे डिस्प्ले होना चाहिए कि ये क्वालिफाइड हैं बंदे नहीं हैं। तो ये हुकूमत को इस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा। हमारे गली मोहल्लों में बहुत ज़्यादा है इस तरह के, यानी कि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। इवन के मैंने यहाँ तक ऐसे भी देखे हैं कि इनके ही बच्चे जो हैं, इवन के कोई मैट्रिक तक किया होता है या कोई क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं होती, वहीं बैठ के सीख जाते हैं और प्रॉपर एक इलाज वगैरह का कुछ भी आइडिया नहीं होता। और ये इंजेक्शन की जो बात की है, ये बिल्कुल ऐसे ही फैक्ट है कि ये जो इंजेक्शन हर एक को जो भी पेशेंट आता है हल्का फुल्का, यानी कि इंजेक्शन उनको वो पेल लगा देते हैं, इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है बच्चों को, इवन के बच्चों तक। मैंने मेरा खुद एक एक्सपीरियंस आज की डेट का ही है, मेरा एक भतीजा था उसको डॉक्टर ने तकरीबन 3 से 4 इंजेक्शन लगा दिए और उसको मैं, उसकी हालत अभी आज की ये थी कि वो बाद झटके मारना शुरू हो रहा था। मैंने फिर जब ये वो देखा बच्चे को तो मैंने उनको बोला यार ये आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, आप इनके पास क्यों लेके गए हो। अब ये तो एक टीका लगाते हैं, वो खांसी है उन्होंने वही देनी हो, लत जी पीड़ है उन्होंने वही गोलियाँ देनी हो, जी 1.25 किलो आदियाँ ने रुपये दवा किलो वो लेके उन्होंने रखी हैं। दूजा उन्होंने वो रखा मिक्सचर जरा पीने वाला बोतल भर के की दवाई लाल रंग की, हाँ लाल रंग की वो दे देते हैं। इन सारिया गोलियां देनी है, चल अल्लाह दे आवे जे तू बच गया तो फिर आ जी सवेरे, नहीं तो अल्लाह ही सपोर्ट जा तू। इनकी वजह से रोजाना यकीनन हमारी सड़कों पे आप अक्सर देखेंगी कि ये ही मसाइल लिखे होते हैं हकीमों के लेट, मैं उनको बोलूँगा तो नहीं लेकिन आप समझ गए होंगे और देखने वाले भी समझ गए होंगे। असल में हमारे वो मसाइल हैं नहीं, अगर हमारे वो मसाइल होते हकीमों वाले तो हमारे मुल्क की आज इतनी आबादी नहीं होती। हमारा मुल्क जो है वो top 10 countries में आता है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटली है, फिजिकली नहीं है। लेकिन हम 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। ये हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह इतना नहीं किया जाता। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह को जब विज़िट करते हैं या बच्चों के लिए, डेफिनेटली बच्चों के लिए, यानी कि आए दिन कुछ ना कुछ खाने पीने से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट या गला ख़राब या इस तरह की चीज़ें होती हैं, पेट ख़राब, लेकिन डॉक्टर को इवन के वो आके आगे, यानी कि पेशेंट से या पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि ये मेडिसिन दे दें या ये दे दें और वो खुद क्लियर नहीं होते हैं। अब ये तो एक बहुत बड़ा है। जो हकीम है ना वो तो नहीं है, मैंने एक हकीम देखा है अपनी ज़िंदगी में, मेरी 80 साल उम्र हो चली है, मैंने एक हकीम देखा अपनी ज़िंदगी में। उसने कहा मरीज को, उसने कहा, उन्हें कहा यार तू ये चीज़ जी है ना नहीं खानी तेन पसंद नहीं। उन्हें फिर आलू मटर खा लै, सवेरे उन्हें नब्ज देखी, उन्हें आख्या तेन मैं राती जो मना किया आलू मटर सब्जी नहीं खानी, तो तू फिर राती खा ली है। अच्छा,
हकीमों को कैसे पता हो सकता है कि क्या बीमारी? आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपके ढेरों टेस्ट करते हैं, वो आपके एक्सरेज लेते हैं, तब जाकर एक बीमारी जो है वो पकड़ी जाती है। बहुत से टेंट्रम्स करने पड़ते हैं, तो आप हकीम के पास जाओगे, उसको कैसे पता आपके अंदर क्या चल रहा है? उसने आँखों में थोड़ी मशीनें लगाई हुई हैं। मैंने ये बताया कि मैंने 80 साल एक हकीम देखा है जो नब्ज़ देख के, उन्हें नब्ज़ देखी इधर से पकड़ा है ना, नब्ज़ देखी है, उसने मरीज को बताया है। एक आदमी ने से हकीमों के पास जाते हैं, और जो उनके पास जाते हैं तो उनके पास ना प्रॉपर मशीनरी होती है, ना प्रॉपर टूल्स होते हैं, ना प्रॉपर तजर्बा होता है। अक्सर डिस्पेंसर हजरात ने छोटे छोटे क्लिनिक्स खोले होते हैं, तो डिस्पेंसर के पास तो वो नॉलेज नहीं ना हो सकता जो डॉक्टर के पास होता है। तो डिस्पेंसर के पास जाएंगे तो फिर वो डिस्पेंसरी वाला ही अपना करेगा, जो उसके पास तीन चार जो पैनाडोल डिस्प्रिन पड़ी होंगी और जो इंजेक्शन पड़े होंगे वही वो इंजेक्ट लोगों को करेगा। तो डॉक्टरी जो है वो जहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत खैर का पेशा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया भी बन चुका है हमारे मुल्क के अंदर। तो लोग अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बहुत से प्रोग्राम्स बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ के बारे में पब्लिक से डिस्कशन की, जाली पीर फकीर के हवाले से भी डिस्कशन की, आलिम बाबा जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, बड़े ऊँचे दर्जे के समझे जाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन की। आज हम एक और सोशल इशू पर बात करने वाले हैं, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर तादाद बढ़ती चली जा रही है। गली मोहल्लों में कोई भी डॉक्टर बना हुआ है, अपनी क्लिनिक खोली हुई है, उनके पास डिग्रियां भी नहीं है, एक ही तरह की मेडिसिन, एक ही तरह का इंजेक्शन हर मरीज़ को लगाया जाता है। जाली हकीम यहां पर बने हुए हैं जिनके पास कोई आला टेक्नोलॉजी नहीं होती है, वो पुड़ियाँ दे देते हैं आवाम को जब आखिरी स्टेज मर्ज़ की आ जाती है, जब आखिरी स्टेज बीमारी की आ जाती है, फिर कहते हैं कि आप अब अस्पताल में ले जाओ, तब तक मरीज़ मरने के दहाने पर आ जाता है और डेली बेसिस पर इतनी जिंदगियाँ बर्बाद होती हैं, इतनी जिंदगियाँ ख़त्म होती हैं कि इसका रिकॉर्ड कायम किया गया है। इतनी जाहिलियत क्यों फैल रही है पाकिस्तानी माशरे के अंदर? पाकिस्तानी आवाम इस तरह के हकीमों को क्यों प्रेफर करती है? आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, इस सोशल इशू के बारे में भी बात करते हैं। और बाहर की कंट्रीज से भी काफ़ी शिकायतें आती हैं कि जो माहौल पाकिस्तानी अपनी कंट्री में रहते हुए करते हैं, जाली डॉक्टर बनते हैं, जाली इंजीनियर बनते हैं, वही करतूते हमारे मुल्क में भी आकर करते हैं और फिर वीज़ाज बंद कर दिए जाते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है? आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। जारी डॉक्टर के मैं अपनी जी जाति मेरे नाल हुई, मैं तुहानू दसना कि मैं 3 साल एक हकीम को इलाज कराया। 3 साल मैं पैसे भरता रहा, गरीब आदमी सी मैं, जेड़ा मेरे को सहल है सी मैं करता रहा। वो बेटा 3 साल तो बाद मैं हकीम की आंदा है, यार समझ नहीं तेन बीमारी की है। मैं आख्या मेरा ना, जो उन्हें आख्या ना, मैंने पूछा कि तेन बीमारी की है, मेरा उस मीटर घूम गया। अच्छा। मैं उन्होंने आख्या तू जो साढ़िया 3 साल पैसे लेता रहा, कहते पैसे लिया मेरे को 3 साल तो बाद कहता जी मैं हूँ बीमारी की समझ, तो मैं क्या तेन समझ कह दी है, तू क्यों पैसे ले? मैं उन्होंने आख्या मैं तेन उन्हें पुलिस वाले को लेके जाना है। अच्छा। मैं तेन पैसे दिते इन्ने जाते मेरे पैसे वापस कर। अच्छा। वो बड़े हूँ मेरे तरले करता रहा है कि यार तू किसे और, मैं और को इलाज तो करा ला किसी डॉक्टर को। कितने पैसे लगे? मैंने को तो उनको 1.5 लाख रुपया देते हैं। 1.5 लाख रुपया इस अरसे में आपने एक हकीम पर लुटा दिया, तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा? 3 सालों तो बाद ये गल दसी कि तेन बीमारी की, तेन बीमारी केड़ी है? आपको उसकी दवाई से, आपको उसके नुस्खों से, आपको उसकी पूड़ियों से आराम मिल रहा था? आराम पता की सी, वो जो दवाई देता सी ना, एक अद्धा दिन मेरा सुकून लंघ जाता सी। वो 8 दिन के मैं पुड़े देता सी, 8 दिन तो बाद मैं आता सी पैसे लैके, तो 8 दिन तो बाद दवाई लैके चले जाना। हाँ जी, तो बेटा मैंने तो उन्हें जिस वे बड़ा लुटिया ना, मैं गरीब आदमी सी तो मैंने पैसे दे दे के, जो उन्हें मैं ये आख्या ना, मैं यार वो बदतमीजी बड़ी की थी। मैंने गालियाँ दी उसको, मैंने कुर्सी पई सी मैं वो चाह के मारन लगा, उसे एक और बंदा बैठा तो उन्होंने कहा छोड़ो इसको। आपको मसला क्या था? मसला मेरे को मेदे की तकलीफ सी। तो आपको डॉक्टर क्यों नहीं नजर आया? मैं डॉक्टर इस वास्ते नजर नहीं आया कि मैं जो दवाई लेता मैं माड़ा जहा सुकून आ जाता सी। अच्छा। वो एडे एडे पुड़े देता सी, 8 दिन तो बाद आता सी, मैं पिंड च रहा, एक गाँव में रहता था। अच्छा। लेकिन
हमारे सर आधे से ज्यादा जो यहाँ पर आवाम है वो हकीमों पर, वो इस तरह के टोटकों पर ही क्यों रहती है, बजाय ये कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, वो जिनके पास डिग्री नहीं होती उनके पास चले जाते हैं, ये इतनी जहालत क्यों है हमारी आवाम में? जहालत इस वास्ते है कि असी इतने ना जो सानू पढ़े लिखे असी लोग नहीं है, असी वो एक मिसाल बनी है भेड़ा की गल, जिदन असी टुर पैने ना असी उन्होंने मगर ही टुरे रहने, बेशुमार लोग इतने लुटने वाले है, हकीम है नहीं, वह डॉक्टर है नहीं, उन्होंने दुकाना भरिया पी, लोग क्यों जाते हैं? किसी अच्छे डॉक्टर को एम बी बी का डॉक्टर है वो बैठा है, वो को चलो जो माड़ा बंदा जाएगा वो पहले आके कि मैं तू 500 फीस दे दे, 1500 फीस दे दे, वो माड़ा बंदा आता मैं हूँ 1500 फीस कितों दें? चल सरकारी हस्पताल भी तो है ना, सरकारी हस्पतालों के अंदर भी तो बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं। हस्पताल भी हैं और जाना तो चाहिए सरकारी हस्पताल में ही असल है, क्यों उधर तो डॉक्टर अच्छे होते हैं, इलाज भी अच्छा होता है, लेकिन ये वे कि साड़ी बदकिस्मती ये है कि असं पुठे पासे जाने, सीधे पासे नहीं जाते, कि जी असी पुठी गल है ना असं उन्होंने चलाने, और यह डॉक्टर इतने देख लो तुम इतने 15 डॉक्टर है जिन्होंने कोई शह भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मरीजों दिन डॉक्टर लोग जाते मरीज जाते डिग्री के बगैर वो होते हैं ना, उन्होंने एक ही तरह के इंजेक्शन एक ही तरह की दवाइयाँ रखी होती हैं और हर किसी को वो एक ही दवाई और एक ही टीका लगाते हैं। वो खांसी है उन्होंने वही देनी, और लत्त की पीड़ है उन्होंने वही गोलियां देनी, वो जी 1.25 किलो आदि ने रुपये दिन 1.25 किलो वो लेके उन्होंने रखी हैं, दूजा उन्होंने वो रखे मिक्सचर जो पीने वाला बोतल भर के ऊपर की दवाई लाल रंग की, हाँ लाल रंग की वो दे देते हैं, इन सारिया गोलियां देनी, चल अल्लाह दे आवे जो तू बच गया तो फिर आ नहीं सवेरे, नहीं तो अल्लाह ही सपोर्ट जा तू। इनकी वजह से रोजाना कितनी जिंदगियां जो है वो तबाह हो जाती हैं या कितने लोग मर जाते हैं ये बताएं? बहुत लोगों का नुकसान होता है क्योंकि जाली रहे गलत दवाई खाने नाल, जिहड़ी ये दवाई लेके जाते हैं दवाई खाने वाली नहीं होंगी, वो गोलियां खाने वाली नहीं होंगे, लेकिन वो मरीज जिहड़ा वो पैसे दे के गया ना वो सस्ता डॉक्टर वे कि उत्थे बढ़िया वो उन्हें ले लिया उन्हें खा लिया, वो जो मरण वाला होना ना उन्हें उन्हें फिर किसी पासे रोक करना तो डॉक्टर ने आखना फलाने डॉक्टर को लै जाओ, उन्हें जो मरण वाला होना ना कि इन्हें हूँ बचना नहीं ये नेड़े ही है काम यदा, उदो उन्हें कहना जी तुम हस्पताल लै जाओ इन, हाँ जी हस्पताल भी जाना गरीब आदमी ने जाना, वो को वसैल लेने नहीं है, मैं नहीं जा सकता अस्पताल, मेरे को वसैल नहीं है कि मेरे को कोई बंदा मगर रोटी लिया के नहीं किसी ने आना, कोई बंदा नहीं आ सकता मगर तो मेरे को वसैल नहीं है तो मैं उत्थे बढ़ना जाके। सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको खाना पीना मिल जाएगा खुद ही? वो तो बात ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आदमी मगर हो को पूछने वाला हो, हाँ जी असं इस बात से भी डरते हैं कि चलो यार ये तो सस्ती दवाई ले लेते हैं इधर से मिल जाए। मुझे ये बताएं पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, ठीक है सरकारी अस्पतालों में भी अच्छे डॉक्टर्स जो है वो मौजूद है, लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ होती हैं गोलियाँ होती हैं इससे अब अंदर गर्मी पैदा होती है तो इंसान में और दवाइयाँ और बीमारियाँ जन्म लेती हैं, ऐसे लोग हमारे समझते हैं साइंस की बनाई हुई दवाइयों को, और जिनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं हकीमों वगैरह के पास जाना वो पसंद करते हैं, क्या कहते हैं? बेटा असल गल कि ये मेडिकल स्टोर जो जो हकीम है ना इनू किसी दवाई नहीं देनी चाहिए, मेडिकल स्टोर पर जाओ तुम उन्होंने पैसे मैं खांसी हुई है मैं बुखार होया उन्होंने कोई डिग्री तो नहीं है मेडिकल स्टोर वाले को, वो दवाई उन्होंने दे देंगे मरीज लैके चला जाएगा, इस चीज़ से पाबंदी होनी चाहिए है, ये हुकूमत का काम है इस चीज़ से पाबंदी ला के इन्हों एक गोली भी नहीं मिलनी चाहिए बाहर, मरीज नूं तां देनी चाहिए उन्होंने दवाई तो वेचनी है डॉक्टर ने लिख के तो उन्होंने दी दवाई वो दे देन उन्होंने जो डॉक्टर ने लिख के नहीं दे बिल्कुल दवाई ना देन गोली ना देन किसी बाहर तो वो जो मेडिकल स्टोर से भी अद्धे लोग तो मेडिकल स्टोर से मरने जो खा खा के ना मेडिकल स्टोर वाले को मैंने कि बुखार होया जी मैंने दे दो तुम उन्हें दे देना पक दे देते हैं मैं चेकअप भी नहीं करते ना चेकअप भी नहीं करते मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ मेरे दर्द हो रही है मुझे ऐसे गोलियाँ दे दो वो दे देंगे ये नहीं होना चाहिए मेडिकल स्टोर जो है ना उन्होंने दवाई नहीं डॉक्टर्स के बगैर लिखे हुए दवाई नहीं देनी चाहिए उन्होंने हकीम जेड़े है इन्होंने पूछना चाहिए ये जिन्हों का काम है वो छापे मार के क्यों नहीं इन्होंने पूछते कि तेरे को कुछ है या नहीं है उन्होंने जेड़े वो बैठे है इन्होंने को आकर पैसे लेंदे है हकीमों को कोई टेस्ट वगैरह थोड़ी करने आते हैं कोई उनको डायग्नोस थोड़ी करना आता है कोई देखना थोड़ी आता है उनको बेटा असल जो हकीम है ना
वो तो नहीं है। मैंने एक हकीम देखा है अपनी ज़िंदगी में, मेरी 80 साल उम्र हो चली है, मैंने एक हकीम देखा अपनी ज़िंदगी में। उसने कहा मरीज को, उन्हें कहा यार तू चीज़ जी है ना नहीं खानी तेन पसंद नहीं। उन्हें फिर आलू मटर खा लाए, सवेरे उन्हें नब्ज देखी, उन्हें आख्या तेन मैं रात जो मना किया आलू मटर की सब्जी नहीं खानी तो तू फिर रात खा ली है। हकीमों को कैसे पता हो सकता है कि क्या बीमारी? आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपके ढेरों टेस्ट करते हैं, वो आपके एक्सरेज लेते हैं, तब जाकर एक बीमारी जो है वो पकड़ी जाती है। बहुत से टेंट्रम्स करने पड़ते हैं, तो आप हकीम के पास जाओगे उसको कैसे पता आपके अंदर क्या चल रहा है? उसने आँखों में थोड़ी मशीनें लगाई हुई हैं। मैंने ये बताया कि मैंने 80 साल एक हकीम देखा है जो नब्ज देख के, उन्हें नब्ज देखी इधर से पकड़ा है ना, नब्ज देखी है, उसने मरीज को बताया है। एक आदमी ने, एक औरत ने एक अपने आदमी को जहर दे दी थी। अच्छा। ये अपने मैं गांव की बात सुनाता हूँ तुझे। उसने आने के देखा, उसने कहा कि इतनी जहर दी गई है, हकीम ने कहा नब्ज उसकी ऐसे देखी ना। अच्छा। उसने कहा इसको इतनी है। वो साहिवाल सर्जन के पास गया तो सर्जन ने लिखा कि इसको इतनी जहर दी गई। मैंने वो हकीम एक अपनी ज़िंदगी में देखा है, बाकी ये जाली है, बाकी ये जाली हकीम है जेडे, इन्हों चाहिए वे गौरमेंट नू चाहिए जेडे महकमे बने अदारे बैठे उत्ते जेडे पैसे तनखावां लेंदे इनियां एसी वालियां गड्डियां फिरदे है, वो क्यों नहीं पुछदे इन्हां नू आण के? उन्हां दा काम है ना। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं इस पहले आपको एक शेर सुनाऊँगा, उसके बाद इस सवाल का जवाब दूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे मुल्क के अंदर आपका सवाल बहुत वैलिड था, और यकीनन हमारे मुल्क के अंदर जो है इस माफिया की जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और लोगों की जानों का, कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। असल में मसला ये है कि जब डॉक्टर बनता है ना, मसला वहाँ से शुरू होता है। वालदैन ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा वाकई में उसमें वो सिफात हैं जो डॉक्टर्स वाली होती हैं, नहीं, फलां का बेटा डॉक्टर है या फलां की बेटी डॉक्टर है, तुमने भी डॉक्टर बनना है। बच्चे में वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती। हाँ, करोड़ रुपया लगा के उसको डॉक्टर तो बना देते हैं, लेकिन उसका माइंड सेट जो होता है वो बिज़नेसमैन वाला होता है। फिर वो डॉक्टर तो बन जाता है लेकिन असल में वो बिज़नेसमैन ही होता है। तो यकीनन हमारी सड़कों पे आप अक्सर देखेंगी कि ये ही मसाइल लिखे होते हैं हकीमों के लेटर में। उनको बोलूँगा तो नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे और देखने वाले भी समझ गए होंगे। असल में हमारे वो मसाइल हैं नहीं। अगर हमारे वो मसाइल होते हकीमों वाले तो हमारे मुल्क की आज इतनी आबादी नहीं होती। हमारा मुल्क जो है वो top 10 countries में आता है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटली है, फिज़िकली नहीं है। लेकिन हम 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम इतनी ही होती फिज़िकल तो ये सब कुछ ना होता। ठीक है, इनफर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम होती, असल में मसला हमारे दिमाग में है, मेंटली मसला है। सर, आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? मैंने अक्सर लोगों से भी सुना है और ये काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं हमने डॉक्टरी दवाई नहीं खानी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें और बीमारियां लगेंगी, हमारे जिस्म में गर्मी पैदा हो जाएगी, इसलिए वो हकीमों का रुख करते हैं। और हकीम देखिए, अब एक बंदा एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको कोई बीमारी होती है, वो उसके 100 तरह के टेस्ट करता है, एक्सरेज लेता है, फिर उसके बाद जाकर उसको दवाइयाँ देता है, उसका इलाज शुरू होता है। जब वही बंदा हकीम के पास जाता है, अब उसको प्रॉपरली, क्योंकि उसकी आंखों में कोई मशीन फिट नहीं हुई हुई या वो टेस्ट नहीं करता, तो उसको नहीं पता कि इंसान की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, फिर वो इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। तो आप हमारी यूथ के बारे में क्या कहेंगी? हमारी यूथ क्यों इतना डिस्ट्रैक्ट और ये इतनी जहालत क्यों फैली हुई है यहाँ पर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुल्क में जो है वो वैलिडिटी जो है उसकी रेशो जो है वो कम है। बिल्कुल, एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि लोगों के पास आजकल हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, लोग फिनंशली तौर पे बहुत जो है वो
उनका ग्राफ जो है नीचे की तरफ है। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है वो सस्ते हकीमों के पास जाते हैं, और जो उनके पास जाते हैं तो उनके पास ना प्रॉपर मशीनरी होती है, ना प्रॉपर टूल्स होते हैं, ना प्रॉपर तजर्बा होता है। अक्सर डिस्पेंसर हजरात ने छोटे छोटे क्लिनिक्स खोले होते हैं, तो डिस्पेंसर के पास तो वो नॉलेज नहीं ना हो सकता जो डॉक्टर के पास होता है। तो डिस्पेंसर के पास जाएंगे तो फिर वो डिस्पेंसरी वाला ही अपना करेगा, जो उसके पास तीन चार जो पैनाडोल डिस्प्रिन पड़ी होंगी और जो इंजेक्शन पड़े होंगे वही वो इंजेक्ट लोगों को करेगा। तो डॉक्टरी जो है वो जहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत खैर का पेशा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया भी बन चुका है हमारे मुल्क के अंदर। तो लोगों को असल में जो है वो बहुत जो इलाज इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन उनको बहुत पे करके यानी कि बहुत कॉस्टली उनको इलाज दिया जाता है। लोगों की जो है वो अक्सर उनके साथ उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है बाज़ूकात। तो मैं समझता हूँ कि एक तो लोगों को नॉलेज देना चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और हमें वैलिड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि जो गली मोहल्लों के हकीमों के पास जाना चाहिए। बहुत से लोग सर ये एक्सक्यूज़ भी दे देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम हकीमों के पास गए, जबकि पाकिस्तान के अंदर सरकारी अस्पताल भी मौजूद हैं और सरकारी अस्पतालों के अंदर भी डॉक्टर्स होते हैं, तो हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। ये डेली बेसिस पर इतनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म होती हैं, इतनी तबाह होती हैं। और आप यकीन करें, ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के लोग जो वो बाहर जाकर इस तरह से कोई फेक डॉक्टर बन जाता है, कोई फ़कीर बन जाता है, कोई फेक इंजीनियर बन जाता है, तो वहाँ जाकर भी ये हरकतें कॉन्टिन्यू हम रखते हैं, इससे हमारा कितना नाम खराब होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान के जो है वो हमने पाकिस्तान का इमेज दुनिया को दिखाना है, और अगर हम खुद ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है वो दुनिया में जाएगा। असल में मैम बात ये है कि गैप बहुत ज़्यादा है, असल में जॉब्स जो हैं बहुत कम हैं, डॉक्टर बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जब उसकी जो और उसका जो है डिमांड कम होगी, तो फिर इसी तरह होगा, डॉक्टर जो हैं वो गली मोहल्ले के अंदर जो है वो छोटी छोटी क्लिनिक्स बना के बैठ जाएंगे। तो असल में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क को इतने डॉक्टर की ज़रूरत है भी कि नहीं है, तो हम क्यों डॉक्टर बन रहे हैं। हम वही पैसा करोड़ों रुपए जो हम डॉक्टर बनने पे इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत डॉक्टर बन चुके हैं, इतने मैं समझता हूँ कि शायद मरीज़ नहीं हैं जितने डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क के अंदर। थैंक यू सर। बिल्कुल जी, हमें इनसे बचने की ज़रूरत है। एक तो हमारी आवाम में इतना शोर नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि ये बंदा सही है कि नहीं है, तो हमें इस पे बड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो लोगों को सोचना चाहिए कि वो सस्ते के चक्कर में, क्योंकि एक तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग कोशिश करते हैं कि थोड़े से पैसों में उनका इलाज हो जाए, तो इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पर ख़ास तौर पर ख्याल करे, और लाइसेंस होना चाहिए, बाकायदा तौर पर डिस्प्ले होना चाहिए कि ये क्वालिफाइड हैं बंदे नहीं हैं, तो ये हुकूमत को इस पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा। जो आवाम उनकी तरफ जाती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, मैदे में गर्मी पैदा होती है, स्टोमक में गर्मी पैदा हो जाती है, इंसान के अंदर और बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं, ऐसा पाकिस्तानी आवाम बोलती है। तो क्या कहेंगे आप उन हकीमों के पास जाते हैं जिनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी होती है, ना वहाँ पर कोई मशीन्स होती है, ना वहाँ पर कोई टेस्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ पुड़ियाँ वगैरह दे देते हैं, क्या कहते हैं आप? ऐसी हमारी आवाम में जाहिलियत क्यों है? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि लोगों को आगाही नहीं है चीज़ों से ना, वो सुनते हैं एक दूसरे से सुन के लोग जो है ना चल पड़ते हैं। हालांकि चाहिए ये कि वो देखें कि ये बंदा पढ़ा लिखा है कि नहीं है, एजुकेटेड है नहीं है। बस एक तो सस्ते के चक्कर में होते हैं लोग, महंगाई की वजह से लोगों को इतना शोर नहीं है। ये काम हुकूमत का है कि वो इस चीज़ को देखे कि वो अपने लोगों को क्या फैसिलिटीज़ दे सकता है। पुअर जो लोग हैं उनको फ्री में इलाज होना चाहिए, तब ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। अदरवाइज़ तो लोगों ने जाना है, जिधर से सस्ती चीज़ें मिलेंगी, सस्ता होगा इलाज, मजबूर हैं लोग। लेकिन जो इस तरह के ढोंगी बैठे हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अब उनके बारे में तब भी हुकूमत ने इकदाम करना है उस पर कि वो ऐसे लोगों को पकड़ें और उनको करारवा की सज़ा दें, ताकि दूसरे लोग ना करें ये काम। मैं अगर आपसे पर्सनली पूछूं, आप हकीमों पर बिलीव करते हैं या जो डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं उन पर करते हैं? मैं डॉक्टर्स के पास ही जब भी जाता हूँ, एलोपैथी के बजाय होम्योपैथी को ज़्यादा मैं तरजीह देता हूँ, क्योंकि वो इलाज आपकी जड़ तक जो है ना वो पहुँचते हैं और मतलब बेहतर है वो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मौका दिया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो आपने डॉक्टर्स की बात की है, डेफिनेटली ये हमारे गली मोहल्लों में बहुत ज़्यादा है,
इस तरह के यानी कि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। इवन कि मैंने यहाँ तक कि ऐसे भी देखे हैं कि इनके ही बच्चे जो हैं, इवन के कोई मैट्रिक तक किया होता है या कोई क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं होती, वहीं बैठ के सीख जाते हैं और प्रॉपर एक इलाज वगैरह का कुछ भी आइडिया नहीं होता। और ये इंजेक्शन की जो बात की है, ये बिल्कुल ऐसे ही फैक्ट है कि ये जो इंजेक्शन हर एक को जो भी पेशेंट आता है, हल्का फुल्का यानी कि इंजेक्शन उनको वो पेल लगा देते हैं, इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है बच्चों को, इवन के बच्चों तक। मैंने मेरा खुद एक एक्सपीरियंस आज की डेट का ही है, मेरा एक भतीजा था, उसको डॉक्टर ने तकरीबन 3 से 4 इंजेक्शन लगा दिए और उसको, मैं उसकी हालत अभी आज की ये थी कि वो बाद झटके मारना शुरू हो रहा था। मैंने फिर जब ये वो देखा बच्चे को, तो मैंने उनको बोला यार ये आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, आप इनके पास क्यों लेके गए हो। अब ये तो एक हमारे यहाँ एक अलमिया है कि कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस तरह का कोई एक्शन भी नहीं होता, इन लोगों को पूरा ये पूरा प्रॉपर इनको कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चों की, बड़ों की तो ठीक है लेकिन इवन के बच्चों तक की लाइफ जो है ये एक डेंजर में है। और हकीम का तो एक अलग ही चैप्टर है, उनको तो क्या बोलें, कुछ भी नहीं कह सकते, हर जगह गली कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। मैं इस दूसरी एक और भी इशू रहे, यानी कि अगर आप कहीं पर ये शो करना चाहते हैं या गवर्नमेंट लेवल पे, इवन कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह इतना नहीं किया जाता। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह को जब विज़िट करते हैं या बच्चों के लिए, डेफिनेटली बच्चों के लिए यानी कि आए दिन कुछ ना कुछ खाने पीने से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट या गला ख़राब या इस तरह की चीज़ें होती हैं, पेट ख़राब, लेकिन डॉक्टर्स को इवन के वो आके आगे यानी कि पेशेंट से या पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि ये मेडिसिन दे दें या ये दे दें, और वो खुद क्लियर नहीं होते हैं। अब ये तो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ गवर्नमेंट को इस पर बहुत एक्शन लेना चाहिए कि किसी ना किसी तरह इस चीज़ को मैनेज किया जाए या कंट्रोल किया जाए, ये जो डॉक्टर्स हैं इनको प्रॉपर चेक किया जाए कि भाई इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी इनका एक्सपीरियंस क्या है, इनकी बेस क्या है, कोई किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में कोई ट्रेनिंग है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं ये करते बस ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये टेकअप करना चाहिए मैटर्स को, और इसके अलावा एक प्रॉपर यानी कि गली मोहल्ले में या गवर्नमेंट लेवल्स के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें एमरजेंसी या चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक अच्छे स्पेशलिस्ट अरेंज करने चाहिए इनको, ताकि ये जितना भी एक बहुत ज़्यादा क्राउड होता है लेकिन ये वो हॉस्पिटल्स को विज़िट करने के बजाय इस तरह के गली मोहल्ले में ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर, ये तो आपने डॉक्टर्स के बारे में बताया, लेकिन आप हकीमों के बारे में, आपको पता है यहाँ जो पाकिस्तानी सोसाइटी है ये कहते हैं कि अगर हम डॉक्टरी दवाई खाएंगे ना तो हमारे जिस्म के अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी, हमें और बीमारियाँ लग जाएंगी, तो आप ये इस मेंटालिटी के बारे में क्या कहते हैं, कहाँ जा रही है ये यूथ, क्यों इतना पागलपन कर रही है आप? मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को कवर करने के लिए एक सिस्टम वो भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है। इवन कि मैं मेरे ख्याल में तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसी को थोड़ा प्रॉपरली अब मैनेज करना चाहिए, ताकि इस फील्ड को एक प्रमोट की अच्छी तरह एक तरीके से प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये अगर आपकी अच्छी सेहत होगी तो तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आपको ये अच्छा आगे काम कर पाएंगे, आपकी एक्टिविटी, आपकी हेल्थ अवेलेबल होगी तो आप तभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान में कि गली मोहल्ले में हर गली कूचे में ये नीम हकीम और डॉक्टर्स इस तरह के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं है। ये कोई एक 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 एरिए की बात नहीं है, तकरीबन मैं खुद एक्चुअली यहाँ नहीं, पाकिस्तान लाहौर में भी आज ही आया हूँ, मैं कराची में होता हूँ, तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो यहाँ का भी है और कराची का भी वो है गली कूचों में, लेकिन ये डॉक्टर्स अवेलेबल ऐसे यही मैं चला रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या हकीमों को प्रेफर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हकीम को तो बिल्कुल नहीं प्रेफर करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स जो हैं ये जो हल्के पुल्के बेचारे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। इनके पास मैं इनको कोई प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं होती इनके पास, मैं यानी कि इनको देखा है यानी कि चंद एक उनके बॉक्स बने हुए हैं वही उसी को पैक बना के बच्चों को बड़ों को वही दे देते हैं कि भाई ये टीका लगना है सर सबको वहाँ पर। बिल्कुल, ये आप सही कह रही है, इंजेक्शन आप वो पेन किलर लगा देते हैं या कौन सा लगाते हैं, तो ये फॉर टाइमिंग तो है लेकिन कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। अब इस पर क्या कर सकते हैं, ये पाकिस्तान में कोई इवन के मेडिकल की जो फील्ड है इस पर इतनी लोगों को
आप डॉक्टर्स की डिग्री को देखें, MBBS जो है उनको मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके एक डिग्री इस लेवल पे पहुंचते हैं और हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग लेते हैं तब जाके एक लेवल पे आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैंने खुद ये मेरी एक्सपीरियंस मैंने देखा हुआ है कि डॉक्टर्स जो हैं उनके इवन के बच्चे हैं जो बिल्कुल क्वालिफाइड भी नहीं है और वही अपने वहीं पर देख देख के ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और उससे बड़ा एक हमारे यहाँ यानी कि जो गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक्शन नहीं है इस पर कुछ क्या कह सकते हैं। ये तो हमारे इस चाहिए इनको कि एक प्रॉपर सेटअप हो और हर डॉक्टर्स को एक सर्टिफिकेशन जो इशू करते हैं एक बाकायदा ऑथराइजेशन होनी चाहिए ताकि ये क्लिनिक्स में जो बैठे हुए हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है, ये कहाँ ट्रेनिंग ली हुई है, क्या चीज़ है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए जिसकी बेस पे ये बच्चों को फिर ताकि पूरे जो एक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं इसको लेके चलेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, बाहर की कंट्रीज से भी ना काफ़ी शिकायतें आ रही थी और ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं कि वो कहते हैं ये जो यहाँ की यूथ आती है हमारी कंट्री के अंदर ये वहाँ आकर बड़ी करप्शन करती है, कोई जाली डॉक्टर बना होता है, कोई फ़कीर बना होता है, कोई इंजीनियर बना होता है, ये यहाँ पर आकर लूट मार करते हैं। जो इन्होंने पाकिस्तान में सिस्टम किया हुआ है वही हमारी कंट्री में भी आकर करते हैं, फिर वो कहते हैं हमारी कंट्री में जाहिल आ गया, फिर वो वीज़े बंद कर देते हैं। ये हम क्या इमेज अपना बना रहे हैं? ये तो पाकिस्तान के आप डॉक्टर्स की फील्ड को कह रही हैं, आप अदर देन दिस और भी किसी बिजनेस सेगमेंट में भी चले जाए, हमारे यहाँ जो करप्शन का लेवल है इवन के छोटे लेवल को छोड़ दें आप बड़े लेवल को, हर एक ओपन है, सबको पता है कौन कितनी करप्शन में है, मुलव्वस है, क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पर जब जिसका जो दिल चाहता है आप खुद ही देख लें कि हमारे हुक्मरानों को देख लें, पाकिस्तान की मईशत को देख लें, तो ये अगर पाकिस्तान की मईशत अगर इस लेवल पर अगर पहुँची हुई आज तो ये इसका ये अलमिया नहीं है कि हम यानी कि यहाँ की यूथ वगैरह, ये पूरा सिस्टम ही करप्ट किया हुआ है। अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक अगर एक पूरे चीज़ डिलीवर हो, एक प्रॉपर रिकॉर्ड चले, तो तभी जाके कुछ सेटअप होगा। बाहर के मुल्क में ऐसा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये खुद यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो करप्शन करते हैं जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, बाहर जाकर भी वो पूरे यहाँ के जो सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वहाँ पर, वीज़े बंद कर देते हैं डेफिनेटली। यानी कि वो जब एक पूरे कंट्री का एक उनका इमेज एक अपना उनका सिस्टम जो है उस सिस्टम को आप ख़राब करोगे तो वो जब उसको देखेंगे यार ये इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी रूट्स क्या हैं, जब रूट्स फाइंड करते हैं तो उनको पता चलता है यार ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर इस यानी कि यहाँ के लोगों को क्यों अपने यहाँ वहाँ पर एक आने की इजाज़त देंगे कि भाई हमारे सिस्टम्स को एक अच्छा करने के बजाय और डैमेज कर रहे हैं। तो ये हमारा गवर्नमेंट लेवल पर भी देख लें और सियासतदान को देख लें, अब ये लोग कहते तो हैं इवन के पाकिस्तान के अभी जो हालात हैं कर्जों में डूबा हुआ है, इसको तो पूरा एक पूरा सिस्टम को इनको टेक ओवर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो जो फिर छोटे लेवल का तबका है वो भी देखता है यार यहाँ पर तो सर्वाइवल इसी तरह है, तो यही एक्शन हमें यही अपॉर्चुनिटी है यही इसी तरह हमें इसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज़ तो जो एक आदमी कोई अच्छे तरीके से रोज़ी बेचारा कमा रहा होता है, मजदूर तबका भी इवन के एजुकेटेड भी, वो फिर उनके लिए अपना सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो करप्शन जो लोग करप्शन कर रहे होते हैं उनको वो उनके उनके जो सिस्टम को डैमेज किया हुआ है उनको ये पूरा करने के लिए ये कहाँ से बियर करें। आज एक नॉर्मल इंसान को अपनी लाइफ को गुजारने के लिए उसको भी किस तरह यानी कि वो अपने एक्सपेंसिस को मीट कर पा रहा होता है, ये सबके सामने है क्या हालात हैं पाकिस्तान में। ऐसा ही है सर, थैंक यू सो मच।